तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज के सेकंड एपिसोड में, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कमाल की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो न्यूज आती है वो आती है नोकिया की तरफ से। यहाँ जो है ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे चाइना में जो है ऑफिशियली नोकिया 3310 के 4G वर्जन को ऑफिशियल कर दिया गया है। यहाँ पर जो है चाइनीज वेबसाइट है, जो कि नोकिया की चाइना में जो वेबसाइट है वहां पर जो है इसके बारे में पता चला है। यहाँ पर उसकी इमेजेस और उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बताया गया। तो यहाँ पर जो खास बात इस फोन फीचर फोन की ये है कि इसमें जो है आपको अलीबाबा का यूआन ओएस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें वाईफाई के साथ साथ हॉटस्पॉट भी आपको देखने मिला, जैसे जो कि आपको आपके जियो फोन में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ रियर में आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ मिलेगा, और बैक में स्पीकर देखने मिलेगा। फ्रंट्स में जो है मतलब वही 3310 पुराने वाले की तरह लगभग आपको मिलेगा, और बस देखते हैं यहाँ पर 4G वर्जन कितना कमाल करने वाला है नोकिया का। तो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट आता है वो आता है हमारा वीवो की तरफ से। तो यहाँ पर जो वीवो का X30 फोन, जो फ्लैगशिप रेंज का फोन है, उसकी एक इमेज लीक हुई है, जिसके अकॉर्डिंग जो चाइनीज स्टार हैं जिनका नाम है लुहान, उन्होंने जो है इस फोन को पकड़ा हुआ। और आप अगर गौर से देखेंगे इस इमेज में, तो उस इमेज में आपको ऊपर आईफोन 10 की तरह एक नॉच देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वीवो भी अब जो है आईफोन की तरह बेजलेस डिस्प्ले की तरफ बढ़ चला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है एप्पल की तरफ से। तो यहाँ पर एप्पल का आईफोन 10 जो लॉन्च है, अब तक का मतलब सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन माना जाता है। तो यहाँ पर जो आईफोन 10 का एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन सामने आया, जो कि बंटली के लिए बनाया गया है। बंटली जो है एक सुपर कार बनाने की कंपनी है, जिसके अकॉर्डिंग इसमें इमेज में आप देख रहे हैं जो आईफोन 10 है वो ब्लैक कलर में आपको देख रहा है, और साथ ही साथ ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो गोल्ड कलर की डिजाइन है वो 18 कैरेट गोल्ड की है। तो यहाँ पर जो है मतलब आईफोन 10 था बहुत महंगा, यहाँ पर बंटली की कार्स भी बहुत महंगी, तो यहाँ दोनों की मतलब दोनों कंपनीज को क्रॉस कर देगा। तो मतलब एक और महंगा प्रोडक्ट आपको सामने को देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इमेज में जो है अगर आप इतना गौर से तो खैर नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है क्या फोन के पीछे लिखा हुआ है 19 out of 100, यानी यहाँ जो है इस फोन की स्पेशल एडिशन है, इस वजह से इसके जो है यहाँ पर 10 यूनिट होने वाली, जिसमें जो है 19th यूनिट है ये, जो कि आप इमेज में इस वक्त देख रहे हैं। तो देखने वाली बात ये है कितनों को मिलेगा, शायद यहाँ पर इंडिया के हमारे अंबानी जी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है दोबारा से वीवो के लिए। तो यहाँ जो है वीवो का एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन, जो कि वीवो का X Play 7 है, उसकी जो है कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग सामने आई है बात। तो बात ये है कि इस फोन में आपको देखने को मिल सकती है 10 GB की रैम, जो कि बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं इस फ्लैगशिप में क्या आपको देखने को मिलता है 10 GB रैम से। यहाँ पर जो है पता नहीं क्या करना चाहते हैं, यहाँ जो है शायद ये कुछ रैम का भी पार्टीशन करें, कुछ इतनी रैम आपकी इस काम के लिए यूज की जाएगी, इतनी रैम इसके लिए, इतनी रैम इसके लिए। खैर देखते हैं किस तरीके से 10 GB रैम को जो है वीवो यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेगा। और खैर यहाँ पर जो आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, 4K OLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, जो कि मतलब बहुत बेहतरीन यहाँ पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगली जो न्यूज आती है वो आती है दोबारा से एप्पल की तरफ से। तो यहाँ पर जो है एप्पल तैयारी कर रहा है 2018 में नए फोन लॉन्च करने की। ऑब्वियसली यार हमें तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन कौन से फोन यहाँ पर लॉन्च होंगे। तो यहाँ पर जो है iPhone 10 की कम डिमांड की वजह से यहाँ पर जो iPhone 10 का प्रोडक्शन कम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है 2018 में आपको iPhone 10 2018 एडिशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ iPhone 10 प्लस भी देखने को मिलेगा, और एक और कम प्राइस वाला वेरिएंट भी शायद iPhone का लॉन्च हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी है कि यहाँ पर iPhone 10 प्लस में आपको जो है इंक्रीज्ड 4GB रैम देखने को मिलेगी यहाँ पर, और साथ ही साथ इंक्रीज्ड बैटरी भी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि होगी 3300 या 3400 mAh की। यहाँ जो है आपको पहले 3000 mAh की शायद बैटरी देखने को मिलती थी। खैर देखते हैं यहाँ पर एक नया फोन जो चीप प्राइस में आने वाला है, कम प्राइस में चीप, यहाँ पर मतलब यार कम से कम फ्लैगशिप रेंज में तो होगा ही iPhone 10 के चीप का मतलब होगा मतलब 60,000 तक, जो कि हमारे लिए फ्लैगशिप होता है। खैर देखते हैं, देखने वाली बात यह है इस साल कौन सा फोन यहाँ पर जो चीप सेगमेंट है आईफोन लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है ओप्पो की तरफ से। तो यहाँ पर जो है मतलब चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज कुछ कर खाना चाहती हैं, मतलब यहाँ पर ओप्पो वीवो तो मतलब कुछ ना कुछ नया करती रहती है। यहाँ पर जो ओप्पो है वो आपके लिए लेके आना चाहता है फोल्डेबल स्मार्टफोन विद सिंगल स्क्रीन। यहाँ पर जो है खास बात यह है, यहाँ पर मतलब ओप्पो ने एक पेटेंट फाइल किया है फोल्डेबल स्मार्टफोन का, जिसके स्केचेस आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एक साइड जो है बिल्कुल एलिमिनेटेड बेजल देखने को मिलेगी, यानी जो फोन है वो मतलब साइज तो ठीक रहेगा उसका, फोन का एक साइड की बेजल बिल्कुल गायब होगी, क्योंकि फोन वहां से मुड़ के पीछे तक स्क्रीन जा रही होगी, और जब उसे फोन को आप खोलेंगे तो आप वो टैबलेट साइज का हो जाएगा, उसे आप टैबलेट की तरह भी यूज कर पाएंगे। और फोन के बैक में आपको एक हिंज भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फोन जो है मुड़ेगा, और साथ ही साथ स्क्रीन जो है वो भी आपको मिलती है फ्लेक्सिबल।
तो फ्रेंड्स यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है फेसबुक की तरफ से, दी है जो फेसबुक जो है अपनी फैसिलिटी को और ज्यादा बेहतर करना चाहता है, अपने जो यूजर्स हैं उन्हें और अच्छी तरीके से देना चाहता है फैसिलिटी। तो यहाँ पर जो है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए फेसबुक तो बहुत पहले से मशहूर है, जहाँ पर जो है एक न्यूज आई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मतलब अपनी कोई लैंग्वेज बना ली थी जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर रही थी। खैर यहाँ पर जो है दोबारा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो चैट बॉट्स हैं उन्हें जो है प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो इंसानों की तरह बात कर सके इंसानों से, और साथ ही साथ इसे करने के लिए वो यूज कर रहे हैं एक मतलब हमारे आमतौर पर बोली जाने वाली भाषा के डेटा को, जिसमें कि 1,60,000 कोट्स हैं, सेंटेंसेस हैं जिनको यूज करके जो यहाँ पर चैट बॉट्स हैं आपसे बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स अगली जो न्यूज आती है वो आती है एसर की तरफ से, तो यहाँ पर एसर की जो एक इमेज लीक हुई है एसर के टैबलेट की, यहाँ पर मतलब कोई खास बात नहीं है, टैबलेट तो एसर बनाती है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है क्रोम ओएस। तो यहाँ पर जो है अगर एसर जो है शायद तैयारी कर रहा है अपने टैबलेट को मार्केट में शायद लाने की जो कि क्रोम ओएस पे रन करेगा, तो डेफिनेटली यार ये जो टैबलेट होगा वो मतलब दुनिया का ही पहला टैबलेट होगा जो कि क्रोम ओएस पे रन करेगा, तो देखते हैं एसर क्या करेगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी कुछ बढ़िया सी न्यूज आप लोगों के लिए, आई होप आपको ये न्यूज पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा जिससे हमारे मेरे चैनल सब्सक्राइब होगा, साथ ही साथ बराबर में मिलेगा एक बेल आइकन जिससे हमारे से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और बेशक यार मिस भी मत करा करो क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।